कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और बीकानेर में चुनाव प्रभारी हरीश चौधरी बीकानेर दौरे पर रहे, जहां समर्थकों ने उनका शानदार स्वागत किया। हरीश चौधरी ने देहात कांग्रेस की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान टिकट की चाह रखने वाले नेता अपने समर्थकों के साथ बड़ी संख्या में दिखाई दिए। हरीश चौधरी ने कहा कि टिकट के लिए पार्टी का एक ही मंत्र है, जिताओ और टिकाऊ उम्मीदवार को टिकट मिलेगा। उम्र और उसकी लगातार हार का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिद्धांतों और संविधान के लिए काम करने पर भरोसा करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने की बात पर भी चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। संवाददाता लक्ष्मण राघव ने की कांग्रेस नेता हरीश चौधरी से खास बातचीत। देखिए, कांग्रेस के कद्दावर नेता और किसानों के भी कद्दावर नेता हरीश चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। टिकट की टिकटिक कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। कार्यकर्ताओं की थाह लेने के साथ साथ जो नेता टिकट चाहते हैं उनसे वो बात करने आए हैं। हरीश जी, इस बार कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं उत्साहित है कर्नाटक की जीत के बाद, और ये जो तैयारियां राजस्थान में जो शुरू हुई हैं, कांग्रेस पार्टी ने एक प्रक्रिया तय करी, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर के ऊपर कोई भी अपना आवेदन दे सकता है। ब्लॉक कार्यकारिणी को भी उसे के लिए अपना राय देने के लिए, जो भी निर्वाचित पदाधिकारी उनको अपनी राय देने के लिए, और गैर राजनीतिक लोग भी उस क्षेत्र के अंदर है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा भी, वो तमाम लोग, क्योंकि राय कांग्रेस संगठन ले रहा है और लेकर लोग निश्चित प्रक्रिया के तहत जिले से लेकर स्क्रीनिंग कमेटी से लेकर और केंद्र चुनाव समिति के माध्यम से टिकटों का निर्णय लेगी। हरीश जी, आपके बड़े नेता ये बात कहते रहे हैं कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा देती है और मंचों से बोले हैं, तो अब हरीश जी भी चूंकि AICC में तो हैं ही और बहुत सारे आपको अनुभव है, तो ये जो रोग है इससे बचने के लिए कांग्रेस क्या कर रही है, क्या मतलब किस तरह से काम होगा? राहुल गांधी जी एक संदेश दे रहे हैं देश को कि हमारी सियासत और राजनीतिक दिशा किस सिद्धांत से होनी चाहिए। हम लोगों को व्यक्तिगत जो हम लोगों की सोच है, समझ है, हमारा लक्ष्य है, उससे बड़ा हम लोगों को जो संदेश है राहुल गांधी जी की, और जो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी ने देश के निर्माण की नींव रखी थी उससे लेकर आज तक का सफर। आज हमारे सबसे बड़ी चुनौती है कि संविधान की हम लोग रक्षा करें। बड़ी हम लोगों के पास चुनौती है जो कमज़ोर होकर लगभग जो संस्थाएँ जो देश के अंदर है जिसके माध्यम से प्रत्येक नागरिकों की जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा की जाती थी, हर व्यक्ति के अधिकारों की संविधान के अनुरूप हम लोग कैसे रक्षा और सुरक्षा कर सकें, ये हम लोगों का राजनीति का लक्ष्य है। तो आपस के अंदर हमको सबको ये बात समझनी चाहिए और सब लोग मिलकर और हम लोग इस दिशा में राजनीति को लेकर जाएंगे। क्राइटेरिया क्या रहेंगे, दो बार हारने वाले को मिलेगी 70 साल का? आपके जब टिकट की जब बात चल रही थी कुछ लोग कह रहे थे देखिए मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, यहाँ के एक मंत्री का भी बयान आया, तो क्राइटेरिया क्या इस बार आपको लगता है कांग्रेस आलाकमान और आप लोग रखने वाले हैं? जिताऊ और टिकाऊ की जो विनेबिलिटी है, जीत है उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर, किसी भी प्रकार का क्राइटेरिया पार्टी ने तय नहीं किया। नहीं तो उम्र का क्राइटेरिया किया, नहीं बार बार हारने वालों के क्राइटेरिया तय करा, जो वहाँ की विधानसभा की स्थिति है उसके अनुरूप फैसला होगा। अच्छा, एक अभी भी हवा में एक बात चलती है कि किसान का बेटा CM, आपके तो उस इलाके के कुछ नेता जो दूसरी पार्टियों में इसको बड़ा मुद्दा बनाकर कहते हैं कि भैया अगर ऐसा होता है तो किसान का बेटा CM बनेगा, तो ये इशू रहता है क्या? हर किसी की भावना का अधिकार है, हर कोई व्यक्ति अपनी भावना रख सकता है। हम लोगों की कांग्रेस की राजनीति समग्रता, हम लोगों की कांग्रेस की और इस देश की सोच है सामंजस्य, सामंजस्य और समग्रता, और सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए। हर किसी के भावना रहती है कि हम लोगों को हमारा हक है, हमारा अधिकार है, सबका हक और अधिकार को हम लोगों को समझना चाहिए और उसके अनुरूप ही हम लोग आगे बढ़ते चाहिए। कल मुख्यमंत्री जी एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाया, मुझे बड़ा अफसोस है, बहुत बड़ा पद होता है, मुख्यमंत्री का पद तो कुछ भी नहीं है। देखो, तो क्या ये मुख्यमंत्री जी की समझ है और उनकी भावना है? कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए प्रक्रिया पार्टी ने तय करी। मुख्यमंत्री जी अगर आवेदन करते तो जो हम लोगों को अधिकार था मत देने का, और उन मत के अंदर अगर वो ज़्यादा मत प्राप्त कर लेते तो मुख्यमंत्री जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते। ये जो फैसला पार्टी ने किया बिल्कुल सबको अधिकार था। चतुराई से हरीश चौधरी ने जवाब दिए, साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी बात कही कि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार इस बार कांग्रेस की प्राथमिकता है, इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस एकजुट है, कहीं आपसी फूट नहीं है।
कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।